क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम, ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों। शहर हैदराबाद के इलाके मेहदी पट्टनम में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब पुलिस ने एहतजाजियों पर लाठी चार्ज किया, जिन्होंने हुमायूं नगर की मस्जिद अजीजिया से पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की मजम्मत करते हुए रैली निकाली। नुपुर शर्मा, नवीन जंदाल के खिलाफ एहतजाजियों ने सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। यहाँ बुरखा पोश खवातीन ने भी पुरअमन तौर पर एहतजाज में हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज बाद नमाज जुमा हैदराबाद, सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना की कई मुकामात पर पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुसलमानों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए एहतजाज किया। तमाम होते चले गए, बाबरी मस्जिद का चली चली हम लोग मुसलमान बर्दाश्त कर लिए, फिर अजान के ताल्लुक से बहुत कुछ चला, ये सबसे किसी से ढकी छुपी तो बात है नहीं, उसको भी बर्दाश्त कर लिए हम लोग मुसलमान। फिर उसके बाद अभी एक नया बाबरी मस्जिद का चला, तो हम ये कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे, क्या क्या करेंगे? हर रोज एक नया नया मुद्दा, एक निकलता नहीं दूसरा आ जाता, दूसरा निकलता नहीं तीसरा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मुसलमानों के खिलाफ करते आ रहे हैं, हम तमाम मुसलमान बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। इतने हालात हो गए हैं कि प्यारे हबीब की ज़िंदगी पर बात आ गई, और ये कोई कुछ नहीं कर रहे, ना हमारे केसीआर साहब कुछ कर रहे हैं, ना तो कुछ कर रहे हैं यही। और जो मीडिया में बताते, जो भी मीडिया पर इतना गलत सलत बताते रहते, पता नहीं क्या क्या करते रहते। अब इतना तो हो गया, अभी इसके बाद हमारे पास बचता क्या है? मुसलमानों के पास जिसका हमारा ईमान अल्लाह पर है और उसके रसूल पर है, उस चीज़ को आज अम्मा आयशा के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है? तो अब हम करेंगे तो क्या करेंगे? जो बहुत कुछ बोलते चले गए, हम लोग खामोश होते रहते चले गए, लेकिन यह हालत यहाँ पर आ गई। तो हम अब तक खामोश बैठे, मसाजिद के लिए हम लोग खामोश बैठे, खून रेजी करें खामोश बैठे,
हर तरीके से मुसलमानों को दबाते जा रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त कर लेते चले गए, लेकिन इस मामले में कोई खामोश बढ़ने वाला नहीं है। देखिए जहाँ तक हो सके इंशाल्लाह हमारे जिस्म का एक या खून का खतरा भी देने के लिए हमारे नौजवान भी तैयार है और हम औरतें भी तैयार हैं, और इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती। हम लोग किसी कीमत पर हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। प्रोटेस्ट किए पूरे तामू से, पीसफुल प्रोटेस्ट किए सब लोग, और आपने देखा ठीक है वो थोड़ा वो होता है और सब हैंडल किया गया, कोई इशू नहीं है। बाकी डीसीपी साहब बताइए, नहीं कभी तो कोई केस बुक करने का कोई अभी मौका भी नहीं है, जो भी होगा डीसीपी साहब देख लेंगे, मगर अभी तक है जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई केस बुक नहीं है। प्रोटेस्ट किए हाफ एन आवर डेमोक्रेटिकली पीसफुल प्रोटेस्ट करके चला गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम, ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल, अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजाद 100% लाभम గ్యారెంటీ తో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మై అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।